केवल कहना चाहता हूं कि भाइयों, हमने हमें बसपा से नहीं निकाला, हमें तब निकाला जब हमने मायावती के खिलाफ, पूरी सरकार के खिलाफ, प्रमोशन में, आरक्षण के मुद्दे पे मायावती के खिलाफ 50,000 लोगों की रैली करके हम लोगों ने विरोध किया था। मुख्यमंत्री थी उस समय, मेरे ऊपर रासुका लगी, 4-4 मुकदमे लिखे गए, जेल में डालने की पूरी कोशिश हुई, लेकिन हमारे साथियों ने इतना साथ दिया, गिरफ्तारी भी घर से पुलिस लेगी करके, लेकिन अदालत में जाकर के एक मुकदमे में बेल होगी, 4-3 को और लिख करके ले आई कि इसमें भी पकड़ेंगे, साथियों ने बजा करके पुलिस पलट हमें छुड़वा लिया था, और उस दिन के बाद हम एक दिन के लिए जेल नहीं गए। लोगों ने हमें छुड़वाया, हमारे समाज के लोगों ने हमें छुड़वाया, तो हम लोगों ने उस समय बलिदान किया, और इतना बड़ा नुकसान मेरा हुआ था प्रमोशन आरक्षण बचाने के लिए, लेकिन मैं 2011 में ही बता दिया था कि प्रमोशन आरक्षण हटने वाला, चूंकि ये रिपोर्ट नहीं दे रही है, सुप्रीम हाई कोर्ट रिपोर्ट मांग रहा है 3.5 साल से, लेकिन मिश्रा जी रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं, अगर वो रिपोर्ट दे देते तो प्रमोशन आरक्षण खत्म नहीं होता, प्रमोशन आरक्षण खत्म नहीं होता, ये केवल मायावती जी की वजह से हुआ है, अगर वो उत्तर प्रदेश में रिपोर्ट देती, बिहार की सरकार ने रिपोर्ट दी प्रमोशन आरक्षण झूका तू, नीतीश कुमार ने दी, तमिलनाडु ने रिपोर्ट दी झूका तू, राजस्थान में अशोक गहलोत ने दी चूका तो, लेकिन उत्तर प्रदेश में मायावती ने सतीश चंद्र मिश्रा के कहने से रिपोर्ट नहीं दी, क्योंकि मिश्रा जी ने कहा कि बहन जी, सर्व समाज के लोग आपको प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं, और अगर ये जो आपके दलित समाज के लोग हैं, हाँ, इनको तो बहका जा सके, लेकिन ब्राह्मण नहीं बहकेगा, इसलिए आप ऐसा करो, इसे लागू तो कर दो प्रमोशन आरक्षण को, लेकिन रिपोर्ट ना दो, तो रिपोर्ट ना देने के चक्कर में ये हटा, वरना अखिलेश तो छोड़ दो, अखिलेश के अप्पा जान भी होते तब भी ये हटने वाला नहीं था, ये संवैधानिक अधिकार है। जय भीम, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।